बचपन में हमने कहानियां तो बहुत सुनी होगी जिसमें पंचतंत्र की कहानियां बहुत ही ज्यादा फेमस है या बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। तो दादा दादी या नाना नानी से कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी। आइए इस चैनल पे जानते हैं पंचतंत्र की उन्हीं कहानियों में से एक कहानी। So welcome to Online Studies 24/7. I am Kitesh Kumar. I am going to talk about the tale of a friendly mongoose. The story starts with a farmer, एक किसान जो अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़े में रहता था। उसके घर में एक छोटा बच्चा था। So किसान को एक दिन थोड़ी सी चिंता हुई। उसने अपनी चिंता जाहिर की अपनी पत्नी के सामने। उसने कहा कि बच्चा हमारा भी छोटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसे किसी दोस्त की जरूरत होगी। अगर उसे ऐसा कोई कंपेनियन मिलता है जो उसकी केयर करे, जो हमेशा उसके साथ रहे, तो फिर बात कुछ बनेगी। एक दिन किसान वापस आया, लेकिन उसने अपने साथ एक कंपेनियन लाया। वो कंपेनियन था वो छोटा मोंगूस, जिसे हम नेवला कहते हैं। अब वो नेवला जब घर में आया तो किसान की वाइफ डर गई। उसने ये पूछा कि ये नेवला, ये जानवर, ये हमारे बच्चे का क्या कंपेनियन बनेगा। तब किसान ने ये कहा दैट डोंट वरी, मोंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल। तो उसने कहा कि मोंगूस फ्रेंडली एनिमल होता है, ये हमारे बच्चे की केयर कर सकता है, हमारे बच्चे के साथ खेल सकता है। तो जैसे 5-6 महीने हो गए, बच्चे के साथ साथ मोंगूस भी बड़ा होने लगा। 6 महीने के बाद ही मोंगूस मच्योर हो गया, वो बड़ा हो गया। लेकिन बच्चा भी 6 महीने का था, वो अभी भी लोटता था, रोता था, सोता था। सो अब स्टोरी में एक ट्विस्ट आया। क्या एक दिन ऐसा हुआ, किसान की वाइफ को ग्रोसरीज यानी किराने का सामान और सब्जियां लेने बाजार जाना पड़ा। तो किसान की वाइफ ने किसान से ये कहा कि बच्चा हमारा सो रहा है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा, कीप योर आईज ऑन हिम, आप अपना ध्यान उस बच्चे पर रखिएगा। देन वो छोड़ के चली गई। जब किसान के पास करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि सिवाय उस बच्चे की देखरेख के उसके पास और कोई काम नहीं था, और किसान का मेन काम होता है खेतों में। अब किसान को ये याद आया कि क्योंकि यहाँ मोंगूस है, यहाँ मेरा नेवला है, तो मेरे बेबी के लिए एक अच्छा सा कंपेनियन है। अब किसान निश्चिंत हो गया। किसान ने उस मोंगूस से अपनी भाषा में बात की। उसने कहा कि मेरे बेबी का ख्याल रख, मैं आता हूँ। अब किसान निकल गया अपने दोस्तों के साथ खेतों में। जैसे किसान की वाइफ ने अपनी शॉपिंग कंप्लीट की, सब्जियां लेकर वो बाजार से आई, उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसके घर के सामने वो मोंगूस जिसे उसके बच्चे के कंपेनियन के लिए लाया गया था, वो वेट कर रहा था, किसका, मालकिन का। अब इसने ये देखा कि वो मोंगूस उसका मुंह सना हुआ है खून से, हाथ भी खून से रंगे हुए हैं। किसान की वाइफ ने मोंगूस को खून से लथपथ देखकर वो चिल्लाई, वो डर गई। उसने कहा ब्लड, ओ माय गॉड, यू विट एनिमल, यू हैव किल्ड माय बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है। अब किसान की वाइफ को गुस्सा आ गया। उसे ये लगा कि उसका बच्चा घर में मर गया है और उसे किसने काटा है, मोंगूस ने। अब किसान की वाइफ ने वो जो थैला था जिसमें सब्जियां भरी थी, वो जोर से पटका मोंगूस के ऊपर। जैसे ही सब्जियों का टोकरा, सब्जियों का थैला मोंगूस के ऊपर गिरा, मोंगूस की वहीं डेथ हो गई। अब जब किसान की वाइफ एंटर करती है रूम में, उसने क्या देखा, शी वॉज सरप्राइज्ड दैट सामने एक काला सा बड़ा सा सांप मरा हुआ था। एंड देन शी रियलाइज्ड दैट मोंगूस के हाथ में और मुंह में जो ब्लड लगा हुआ था, वो ब्लड उस सांप का था जिसे मोंगूस ने मारा था। नाउ सडनली शी हर्ड समथिंग, उसे कुछ सुनाई दिया। उसे क्या सुनाई दिया, उसे अपने बेबी की आवाज सुनाई दी, जब बेबी सो के उठने के बाद रो रहा था। तब उसे रियलाइज हुआ कि ये मोंगूस जो था वो मेरे बेबी के लिए काफी फ्रेंडली था।
He was also a good caretaker for my baby. Being a companion, he was a savior of my baby. उसे ये रियलाइज हुआ कि उसके बेबी की जान बचाई किसने? मोंगूस ने. तब उसे पश्चाताप हुआ और उसे ये रियलाइज हुआ कि उसने बिना सोचे बिना विचार किए एक गलत डिसीजन लिया है. अब जब वो अपने बच्चे को लेकर बाहर आई, उसने देखा कि उसके वापस आते तक नेवला मर चुका था, मोंगूस की डेथ हो चुकी थी. तो उसके पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय क्या करने के? पश्चाताप करने के. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, बिना विचारे जो करे सो बाचे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में हो थसाए. इसीलिए हर काम सोच विचार कर ही करना चाहिए. जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको नुकसान दे सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी द फ्रेंडली मोंगूस. मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई देन लाइक इट, शेयर इट, एंड अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है देन कमेंट इट. और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी बटन दबाना मत भूलें.